स्वागत है आपका रियल एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ रेनू चौहान। दिल्ली के पसंद कुंज में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से उम्मीदवार टीके चोपड़ा ने एक जनसभा का आयोजन किया। इस आयोजन में टीके चोपड़ा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैं सत्ता में आया तो जनता के हित में बहुत से विकास कार्य करूँगा और जनता के लिए फूलों का कुतुब मीनार बनवाऊंगा। इसी के साथ डीके चोपड़ा ने अब तक जो भी विकास कार्य किए हैं उन विकास कार्यों के बारे में महिलाओं से चर्चा की। वहीं डीके चोपड़ा को जनता का काफी जनसमर्थन मिल रहा है। हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार, शोषण व प्रदूषण, यही तीन मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारी लड़ाई है। देश आजाद हुए 72 साल हो गए हैं, कितने लोगों को आज़ादी का एहसास हो रहा है आप पता करें, पब्लिक से पूछिए कि भाई आपको आज़ादी मिली या नहीं मिली। आज भी गुलाम है, कोई बोतल पानी की भर रहा है, कोई कुछ और काम नाली साफ कर रहा है, कोई बच्चे पाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल दो दो घंटे लाइन में लगना पड़ता है, ये सारी समस्या, राशन नहीं मिलता है, महीना महीना राशन वाला नहीं आता है, तो ये सारी समस्याएं अभी वैसे की वैसी हैं। एक भी जरा सा भी 19-20 का भी फर्क नहीं पड़ा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ शुरू से ही, अभी भ्रष्टाचार पे मैंने एयरपोर्ट सारे खाली करवा दिए हैं, सब एयरपोर्ट पे अब MRP से माल बिकता है, कोई भी बिना MRP में माल नहीं बेच सकता। उनके खिलाफ मैंने केस भी लगाया था कोर्ट में, उसको 50 लाख रुपये जुर्माना करवाया मैंने, अब वो केस हाई कोर्ट में चल रहा है। मेरा मुद्दा पैसे का नहीं है, मेरा मुद्दा है कि लोगों को समझाया जाए कि कानून का पालन करें और कानून के साथ जिए और कानून को पालन करवाएं भी। अगर मैं भी पालन नहीं कर रहा तो मुझे भी पकड़ेंगे, भाई तेरे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, तेरे को नहीं छोड़ेंगे। जो भी आदमी गलत है उसके खिलाफ काम करें और उसको इसको मुद्दे को आगे चलाएं। हाँ सर, अब तक जो एक निर्भया कांड हुआ था जिसकी जो आरोपी थे उनके आरोपी को फांसी 22 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन जो फांसी की सजा थी डेट थी वो टल गई है, फरवरी रख दी गई है, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, निर्भय की माता जो आशा जी हैं, मैं उनको जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह, उनको फ्लैट मिला है GDA का रोहिणी में, और मैं सब जानता हूँ क्या है, सरकार क्या कर रही है, समझो आप बात को। बात यह है कि महिलाओं का शोषण सरकार कराती है। ये तो ड्राइवर क्लीनर हैं जिन्होंने ये किया था, इनके खिलाफ वो कह दिया इनको फांसी की सजा दो, ये दो वो दो, ये तो दो बच्चे हैं, 44,000 साल में रेप होते हैं, कहाँ हैं बाकी 43,970 वो बताओ ना, उनके बारे में क्या कहना है आपको? वो इनके लोग करते हैं, इनको पैसे देते हैं, ये गरीब लोग पैसे नहीं दे पाए इसलिए इनको फांसी की सजा हो गई। पहले भी तो अभी हैदराबाद में तो हुआ, क्लीनरों ने रेप किया तो फांसी, गोली मार दी, मरवा दिया उनको। तो ये सिर्फ नौटंकी हो रही है, तीन आदमी नहीं है, पूरे 44,000 आदमी एक साल में रेप करते हैं, यहाँ घर घर में रेप होता है, मेरे वसंतगुंज में यहाँ रहता हूँ, सारे रेपिस मेरे पीछे लगे हुए हैं। पता करिए इनसे, इनका क्या बिजनेस है, मेरे को काय को तंग करते हैं, पूछिए इनसे, मेरे घर के नीचे जो लेडी रहती है दुविंद्री से पूछिए क्या करती है, तो रोज क्यों तंग करती है, किसके कहने में तंग करती है, ये बिजनेस है। 2 करोड़ में एक लड़की बिकती है वसंतगुंज में, आपको पता नहीं है, यहाँ पे B10 में अड्डा है इनका, सीनियर सिटीजन का, वहाँ पे गीता सिंह लाती है, वो यही काम करती है, उन्होंने मेरे को निकाल दिया, कह दिया साथ में 1.5 करोड़ का मेरे, मैंने वहाँ चुनाव लड़ा, 75 वोट मिले, मैं लाइफ मेंबर हूँ वहाँ का, कहते ये आपको निकाल दिया हमने, निकाल दो, मैंने क्या लेना तुम्हारे से। मेरे को देश में भ्रष्टाचार शोषण से आज़ादी करानी है, मैं सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह के मार्गदर्शन के हिसाब से करता हूँ, हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम कोई दलाल नहीं है किसी कंपनी के या किसी के, हम दाल रोटी के लिए जिंदा नहीं है, हम चाहते हैं मेरा देश लगे कि मेरा देश है। यहाँ हर आदमी आता कहता है इस देश में कुछ हो ही नहीं सकता, वो नहीं सकता, नहीं आप नहीं करने देते, आप ऐसे बंधे हुए, आपको 100 रुपये के लिए आप जान देने को तैयार, लेने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोग यहाँ हैं। सर, अभी आपने जो फूलों को कुतुब मीनार बनाने की बात की, वो कितनी लागत से बनेगा और कितनी बीघा में? ये 500 एकड़ जो होता है करीब 2,500 बीघे होता है ये जगह, और 2,500 बीघे में 3 तो वहाँ पे झील होंगी, एक डिज्नीलैंड होगा, एक कुतुब मीनार होगी, उसके अलावा वहाँ पे फूलों वाले पार्क बनाए जाएंगे, और जो ये क्या कहते हैं जो 3 वो होंगे झीलें होंगी, जो उसमें उनमें बोटिंग होगी, रात में वहाँ पे एक एक झील के साथ मेला लगाया जाएगा, वहाँ पे लोगों को मौका दिया जाएगा, 24 घंटे आप आ सकते हैं वहाँ पे, और खाने पीने की आपके लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी, बच्चों को घुमाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए वहाँ पे हम ऐसे अवसर बनाएंगे, उसके अलावा डिज्नीलैंड बनवाएंगे ताकि बच्चे सारी दुनिया, कोई बैंकॉक जाता है, कोई कहीं जाता है कि हम झूलों के मज़े लेने हैं, मज़े लेने के लिए वहाँ जाते हैं, यहीं लो ना मज़े, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया यहाँ आएगी मज़े लेने की, और 1 लाख लोग रोज़ यहाँ आएंगे, उसकी एंट्री टिकट 1,000 रुपये होगी, और जहाज महल से 1,100 मीटर का रोड बनाया जाएगा, रोड के दोनों साइड पे शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाए जाएंगे ताकि विदेशी आएँ और यहाँ पे हमारे यहाँ पे नौकरी दें, और मेरे को उम्मीद है कि इस सारे काम में 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा।
इससे जुड़ी और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रियल एक्सप्रेस। धन्यवाद। इस दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।